लेकिन अब इस चुनाव में लगता है भारत पाकिस्तान नहीं होगा, लगता है भारत खलिस्तान होगा। राजकारणातल्या प्रत्येक अपडेट्ससाठी सरकारनामाला सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन साठी बेल आयकॉन प्रेस करा। हो सकता है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, विश्व गुरु है हमारे प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के बारे में जब भी बात आती थी 10 साल पहले, जब हमने सुना है और हमें गर्व होता था प्रधानमंत्री जी की सीना 56 इंच का है और पाकिस्तान को अब वो खत्म करते रहेंगे, लेकिन अब इस चुनाव में लगता है भारत पाकिस्तान नहीं होगा, लगता है भारत खलिस्तान होगा, इसकी तैयारी चल रही है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, भारत खलिस्तान होगा क्या? इतना बड़ा भारत देश, इतने महान विश्वगुरु, इतनी बड़ी महासत्ता हो रही, क्या तीसरी महासत्ता हो रही है, और आज हमारे हाई कमिश्नर ब्रिटेन के, उनको रोका जाता है गुरुद्वारे में जाने से, हिम्मत कैसी होती है? उनकी गाड़ी को रोककर खलिस्तान जिंदाबाद के नारे दिए जाते हैं। कैनेडा में हमारे मंदिरों पर हमला हो रहा है, ये कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है माहौल? आज कैनेडा में शुरुआत हुई है, फिर ब्रिटेन में आ गए, धीरे धीरे ये दिल्ली तक आ जाएंगे और 2024 तक पूरा माहौल खराब करने के बाद ये चुनाव को सामने जाएंगे और फिर देश को कैसा खतरा है। और एक जो हमारे नेता है, बस और कोई नहीं, एक एक चुनाव में जाएंगे नया, मुझे लगता है कोई गड़बड़ दिखती है आज का दिन, धीरे धीरे उसका ऊपर का पर्दा उठ जाएगा। राजकारणातील प्रत्येक अचूक बातमीचे सर्वात आधी अपडेट्स मिळवण्यासाठी सरकारनामाच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।